हेलो जी, आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और आशा करते हैं आप बहुत स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए जी, आजकल चल रहा है सावन का महीना, तो हमने रखा है फास्ट। तो उस फास्ट के लिए हमें कुछ चाहिए खाने के लिए, तो क्योंकि मैं सोमवार के फास्ट खोलती हूँ मीठे से, तो जिसके लिए लिया है मैंने ये लौकी, दूधी जिसको बोलते हैं, इसे अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और हम इसे ग्रेट करेंगे बिल्कुल पतले वाले ग्रेटर से। तो ये मेरे पास छोटा वाला ग्रेटर है, मैं इसी से कर लेती हूँ जब मुझे छोटा वाला चाहिए होता है। तो चलिए इसे ग्रेट कर लेते हैं पहले। इसके साथ ही चाहिए कुछ ड्राई फ्रूट, तो मैंने ये ले लिए है किशमिश और बादाम, तो इन्हें मैंने अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है। ये देखिए, हमने बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है लौकी को, और ये बादाम और हमने ले लिया किशमिश। चलिए ले लिया है मैंने पैन, इसे कर लूंगी अच्छी तरीके से गर्म, और इसमें मैं डालूंगी एक चम्मच देसी घी, और इसे भी अच्छी तरीके से गर्म कर लेते हैं। चलिए ड्राई फ्रूट फ्राई कर लेते हैं, थोड़ा पहले भून लेंगे जब तक इनका कलर चेंज होता है। और ड्राई फ्रूट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। देखिए काफी अच्छे तरीके से हो गए हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। चलिए इसी घी में हम ये भून लेंगे लौकी भी, जो भी अच्छी तरीके से जब तक इसका कलर चेंज होगा जब तक हमें भूनना है लो टू मीडियम गैस पे। चलिए इसे लो टू मीडियम गैस पे हमें अच्छे तरीके से भूनना है, जब तक इसका पानी सूखेगा तब तक हमें इसे भूनते रहना है। तो इसे इसी तरीके से चलाते हुए भून लेंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारे लौकी भून चुका है, बिल्कुल इसमें पानी बचा नहीं है। तो अब इसमें हम डाल देंगे दूध। तो हाँ जी, हम ना तो बर्फी बना रहे हैं लौकी की, और ना बना रहे हैं लौंजी, ना बना रहे हैं हलवा, हम इसकी बना रहे हैं खीर। तो ये देखिए कितनी बढ़िया कलर भी आ गया है और पानी बिल्कुल सूख गया है, क्योंकि पानी सुखाना हमारा बहुत जरूरी है लौकी का, तभी इसमें बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। और घी की देखिए कितनी अच्छी शाइन आ रही है। तो चलिए जी इसमें दूध डाल देते हैं। तो ये मैं इसमें डाल रही हूँ आधा किलो दूध, फुल क्रीम दूध है ये, और ये पहले से बॉयल है। तो चलिए जी इसको भी डाल देते हैं पूरा दूध, और इसे अच्छे तरीके से अब इसमें मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी सी खीर बन के तैयार होती है, शायद आपने पहले कभी खाई भी नहीं होगी, सुनी भी नहीं होगी। तो चलिए जी इसे अब अच्छी तरीके से इसके साथ दूध के साथ में मिक्स होने देते हैं, और फिर इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट। ये देखिए ये खीर में हमारे बहुत अच्छे से उबाल आ गया है, अब यहीं पे हम डाल देंगे इसमें ड्राई फ्रूट, और ड्राई फ्रूट डालने के बाद में हम इसको अच्छी तरीके से पकने के लिए रख देंगे। और साथ ही इसमें जाएगा बहुत ही अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या मीठा, आप कर सकते हैं जैसे आपको पसंद हो। तो मैं इसमें डालूंगी 4 से 5 चम्मच चीनी, तो मैं इसमें डालूंगी 4 से 5 चम्मच चीनी, क्योंकि मीठा हमारे यहाँ पर इतना ही खाया जाएगा। तो ये हो गई 5 चम्मच चीनी, और इसे अब कर देंगे मिक्स बहुत अच्छे तरीके से, और चीनी को भी अच्छे तरीके से मेल्ट होने देंगे इसके साथ ही। ये देखिए, और ये बहुत अच्छी लगती है खाने में, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए खीर हमारी बहुत अच्छे से बनके हो गई है तैयार। चलिए फाइनल करेंगे इसको बंद करने से पहले इलायची डाल के। तो ये चीनी, दूध और ड्राई फ्रूट हमारे अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं, और ये ठंडे होने पे गाढ़ा भी होगी। तो चलिए मैं इसको सर्व करती हूँ। चलिए जी ये दाने मैं डाल दूंगी इलायची के फ्रेश कुटे हुए, तो चलिए इसे सर्व कर लेते हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी खीर बन के हो गई है तैयार। चलिए कुछ और ड्राई फ्रूट से इसको सर्व कर लेते हैं। आशा करते हैं आपको ये रेसिपी हमारी पसंद आई होगी, पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए लगाते हैं इसको ठाकुर जी को भोग। ये देखिए ये ठाकुर जी की थाली हो गई तैयार, इसमें रखेंगे तुलसी तल, क्योंकि इसके बगैर भोजन इनका अधूरा है। चलिए जी अपने लाला को लगा देते हैं भोग। चलिए मैंने ठंडा कर लिया, क्योंकि गर्म गर्म भोग नहीं लगा, लड्डू जी को गर्म गर्म खाने का भोग नहीं लगाना चाहिए। ये देखिए दर्शन कर लीजिए हमारे लड्डू गोपाल के। आशा करते हैं आपको ये हमारी आज की रेसिपी और आज का हमारा प्रसाद अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी या वीडियो के साथ। आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए आप सभी को हमारा बहुत बहुत नमस्कार।